ओके, अब एक बार कॉपी पेन निकाल लो। उससे पहले कुछ ना होमवर्क के क्वेश्चंस दूंगी, उससे पहले चलो पहले कॉपी पेन निकालो, लिखो। हाँ, हॉट्स क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये वाले भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, घर से आप लिखोगे और मैं इसके अलावा भी दूंगी। ओके पहला तो आपने ये जो मैंने अपनी इसमें पीडीएफ में दिया था, आपने वो क्वेश्चंस लिखे कॉपी में? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना। वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एक क्षत्रिय राज या एक पर्सन का राज सबसे बढ़िया होता है इस पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इफ दैट वन मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग, अगर वो इंसान हर चीज को मैनेज करने में सक्सेसफुल हो, सक्षम हो, कैपेबल हो, आप मुझे बताओ ये किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जा रही है यहाँ पे? जेन में, वेरी गुड। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आप सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दोगे। अब आप मुझे बताओ इसके बाद इसमें इसके एडवांटेजेस कही जा रही है बात, या डिसएडवांटेजेस की, या दोनों की? हाँ, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन इफ भी तो लगा हुआ, इफ के बाद की लाइन पढ़ो। हाँ, मतलब पहले डेफिनेशन लिखना, तीन चार इसके एडवांटेज लिख देना, तीन चार डिसएडवांटेजेस लिख देना, यही हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होते हैं। कभी भी बोर्ड में या आपके स्कूल में सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते। देखो ये पे तो कह सकते थे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बट ये देते इसी वे में है। इतनी बात क्लियर है? एक तो ये क्वेश्चन तो करना ही करना है, नेक्स्ट पढ़ो। ये तो रेलिक बार्बरिक एज कुछ मतलब समझ आया इस बात का? मैं बताती हूँ, रेलिक ऑफ बार्बरिक एज, बार्बरिक एज यानी बार्बर जो वो थे ना, अकबर बार्बर वगैरह, मुगल का पीरियड, उसकी एज की कोई भी चीज बार्बरिक एज का मतलब होता है बहुत पुरानी, जो काम सदियों से चलता आ रहा हो, जो काम बहुत पुराने से चलता आ रहा हो, ये कहा जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा, इस आंसर का मतलब बता रही हूँ ये क्वेश्चन का, ये कहना गलत नहीं होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे बार्बरिक एज से चलती आ रही है, मतलब इतनी पुरानी है कि बहुत पुरानी एज से चलती आ रही है। क्या ये बात ठीक है कि सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे बहुत पुरानी एज से चलती आ रही है? इज दैट राइट? हाँ, तो आप ये लिखोगे इसमें कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की जरूरत है, आप ये लिखोगे हाँ यस दिस इज राइट दैट सोल प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल ओनरशिप। अब देखो ना, जान के भी सोल प्रोप्राइटरशिप ने दिया, इंडिविजुअल ओनरशिप नाम दिया, इस अ रेलिक ऑफ बार्बरिक एज, रेलिक ऑफ बार्बरिक एज का मतलब होता है सिंस अ लॉट ऑफ ओल्ड एज या वेरी ओल्ड एज, इज अ रेलिक ऑफ ओल्ड एज बिकॉज पार्टनर सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस इन विच सिंगल ओनर इज देयर एंड सिंगल ओनर आर फेमस इन द पास्ट सेंचुरीज ऑल्सो, देर वॉज नो नीड ऑफ कैपिटल, देर वॉज नो नीड ऑफ माइंडसेट, एवरीथिंग वाज क्लियर एंड एवरी पर्सन यूज्ड टू डू दैट बिजनेस, ये बिजनेस वो करते थे, सब लोग करते थे, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता था, ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे पहले से भी किया जाता था। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो। क्या होगा इसमें, किसकी बात की जा रही है? हाँ, और सोल प्रोप्राइटरशिप की किस चीज की बात की जा रही है, मतलब क्या इसमें? ऑफर्स द प्रॉमिस ऑफ सिक्योरिंग मोटिवेशन, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप काफी मोटिवेट करता है, ओनरशिप को बढ़ाता है और कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री बेटर करता है, मतलब एडवांटेजेस, फीचर्स, डिसएडवांटेजेस, किस चीज की बात की जा रही है सोल प्रोप्राइटर की?
वेरी गुड, इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट ही क्वेश्चन में इसके एडवांटेजेस पे लिख दोगे। मतलब कहने को इसमें हमने क्या किया, सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और डेफिनेशन और दिया, कितनी घुमा फिरा के पाया गया। वैसे इतनी बात क्लियर है? चलो क्वेश्चंस लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। नहीं, इसके आगे के कह रही हूँ, ओनली फाइव लिख लो, फर्स्ट लिखो। हाँ, इसी के आगे लिखो। Why people trust less LESS in partnership people क्यों कम ट्रस्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म को? क्लियर? सेकेंड लिखो, why there is delay in decision making of partnership. Clear? Next likho, how partnership promotes better management? How partnership promotes better management? Next, bolu. Okay. Is formation of partnership easy or complex? Is formation of partnership easy, EASY, easy or complex? Next likho, why partners do not share a common interest? Done? Okay.